भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया HDFC बैंक ने लगाया रक्तदान शिविर, 31 लोगों ने किया रक्तदान। नवगछिया बाजार स्थित HDFC बैंक के तत्वाधान में गुरुवार को रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। देर संध्या समाचार लिखे जाने तक कुल 31 लोगों ने रक्तदान किया था। शिविर का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। शिविर का उद्घाटन समाज सेवी पवन कुमार सराफ, अजय कुमार रुमटा, शिक्षाविद राम कुमार साहू, मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र वर्मा ने फीता काट कर किया। वहीं मौके पर शहर के वरिष्ठ जनों ने कहा कि रक्तदान महादान तो है ही, साथ ही साथ नियमित रक्तदान करने से स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। कभी भी रक्त में प्लेटलेट्स की कमी नहीं होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। नवगछिया, 2.5 साल पहले किस्मत ने नहीं दिया था साथ, इस बार निर्विरोध निर्वाचित। मोती यादव बने रंगरा पंचायत समिति के प्रमुख। दिन भर अनुमंडल परिसर में रही गहमा गहमी, किए गए थे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। नौगछिया अनुमंडल मुख्यालय में संपन्न हुए रंगरा प्रखंड प्रमुख चुनाव में सधवा गांव के पंचायत समिति सदस्य संजीव कुमार यादव उर्फ मोती यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उनके विपक्ष में इस बार कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं आया। प्रखंड के कुल 12 पंचायत समिति सदस्य में से 9 ने मोती को समर्थन किया। विरोधी गुट के सदस्य चुनाव में शामिल भी नहीं हुए। निर्वाचन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने मोती यादव के निर्विरोध निर्वाचन होने की घोषणा की और प्रमाण पत्र भी वितरित किया। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित सभागार में चुनाव की प्रक्रिया 11 बजे दिन में प्रारंभ हुआ। रंगरा प्रखंड प्रमुख पद के चुनाव में साधोपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सह पूर्व प्रमुख व मोती यादव की परिचित प्रतिद्वंदी शीला देवी चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई। शीला देवी के अलावे भवानीपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य व कुमोदी यादव की पत्नी गुड़िया देवी व सोहरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रेखा देवी चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रही। प्रखंड प्रमुख चुनाव में कुल 12 पंचायत समिति सदस्यों में बेला देवी, सुलेखा देवी, संजीव कुमार यादव उर्फ मोती यादव, प्रवीण कुमार पंकज, उमेश प्रसाद सिंह, दिवाकर सिंह, फूलन देवी, राजेंद्र मंडल एवं चांदनी देवी चुनाव प्रक्रिया में भाग ली। वहीं खुले स्वर में मोती यादव का समर्थन किया। प्रमुख चुनाव को लेकर नौगछिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स प्रतिनियुक्त थे। चुनाव को लेकर 5 स्थानों पर महिला व पुरुष कुल 10 दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी के तहत हर गतिविधि के वीडियो फुटेज निकाले जा रहे थे। बहुत संघर्ष के बाद विजय मिला। जनता को बहुत आशा है मोती तुमसे, क्या क्या जनता के लिए कीजिएगा बताइए। जो भी जनता का विकास का काम होगा, न्याय का काम होगा, अथक प्रयास उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और खासकर गरीब गुड़गांव दबे कुचले शोषित वंचित व्यक्तियों के लिए काम करेंगे, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। रंगरा के विकास के लिए कितना आपके लिए आपका योगदान रहेगा? देखिए, आज 3-3.5 साल के ब्लॉक, 2.5 साल में रंगरा ब्लॉक का विकास जो है प्रमुख की लड़ाई कार्य ठप था, तो 5 बरस का काम आपको 2.5 साल में करना है, ठीक है? आप इतना उसको पूरा कीजिएगा। लाइबिलिटी बड़ी है और करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने पदाधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे मिलकर, और प्रयास करेंगे कि सुचारू रूप से आम आवाम का काम हो। भ्रष्टाचार चरम पे वहाँ पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार पर कैसे कंट्रोल कीजिएगा?
उसी के लिए हम लोग एक बैठक करेंगे पहले सबसे पदाधिकारी कर्मचारी के साथ, और बातचीत के तहत चाहेंगे सुलह करें बात को और समाधान निकालें, रास्ता निकालें। यदि बातचीत से बात नहीं बनती है तो उसके लिए फिर लड़ाई जंग। आपके नए प्रखंड ब्लॉक का उद्घाटन मंत्री जी कर चुके हैं, अभी तक वहाँ समाधान नहीं हो चुका है सड़क का, बिजली भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, बिजली और सड़क की समस्या, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। और आगे क्या है आपका? आगे की लड़ाई जारी रहेगी, सोच बड़ा है। जीत का श्रेय किसको देना दीजिएगा? जीत का श्रेय आम जनता और हमारे साथ जो समिति सदस्य हैं। कैसे निर्विरोध हुए या? निर्विरोध। पूरा नाम? संजीव कुमार यादव उर्फ मुक्ति यादव। नवगछिया स्टेशन परिसर में बाबा साहब की पुण्यतिथि को परिनिर्माण दिवस के रूप में मनाया। नवगछिया स्टेशन के पार्किंग में गुरुवार को लोजपा सर्कुलर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश शर्मा के नेतृत्व में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को परिनिर्माण दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जनार्दन राम ने किया। मौके पर दर्जनों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। विक्रमशिला सेतु पर देर रात तक लगता रहा भीषण जाम, देर रात जाम में फंसे सैकड़ों वाहन, कई दूल्हे के साथ बाराती वाहन भी फंसे थे जाम में। देर रात तक जाम में फंसे रहे भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल। विक्रमशिला सेतु और संपर्क पथ पर गुरुवार को भी भीषण जाम लगा रहा। सुबह से लेकर दोपहर तक लोग 2 से 3 घंटे में भागलपुर पहुंच रहे थे, लेकिन देर शाम से जाम की स्थिति भयावह हो गई। 4 घंटे से कई वाहन जाम में फंसे थे। जाम में कई दूल्हों और बारातियों के वाहन भी फंसे दिखे, तो दूसरी तरफ पुल की रेलिंग होते हुए भी पैदल पुल पार करने वालों की संख्या काफी अत्यधिक थी। देर रात तक जाह्नवी चौक पर कई यात्री फंसे हुए थे। ऐसे यात्री पुल को पैदल पार कर जाह्नवी चौक तो पहुंच गए थे, लेकिन यहां से नवगछिया के लिए वाहन उपलब्ध नहीं थे। यात्री वाहनों के इंतजार में घंटों से बैठे हुए थे। जाम का कारण विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का अत्यधिक परिचालन बताया जा रहा है। वहीं बताते चलें कि जाम में भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल गुरुवार को भागलपुर से नवगछिया आने के क्रम में फंस गए। उनका वाहन पुल पर चढ़ते ही जाम की जद में आ गया। रात्रि 9 बजे उन्होंने फोन करके बताया कि 4 घंटे में उनका वाहन महज आधा किलोमीटर आगे बढ़ पाया है। विनोद कुमार मंडल ने कहा कि जाम की समस्या भयावह हो चुकी है। मौके से ही जिलाध्यक्ष ने भागलपुर के SSP आशीष भारती से फोन पर बात कर जाम का तत्कालिक निदान करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अब स्थिति विस्फोटक है, वे मामले पर प्रदेश के नेताओं से संपर्क करेंगे। इस्माइलपुर प्रखंड में RDD के निरीक्षण में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल। शिक्षा विभाग के RDD के निरीक्षण में इस्माइलपुर प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था की पोल पूरी तरह से खुल गई। उन्होंने दर्जनों विद्यालय का औचक निरीक्षण करने के बाद बताया कि अधिकांश विद्यालयों में चावल के अभाव में MDM बंद था। जिस विद्यालय में MDM खिलाया गया वहां थाली से हरी सब्जी गायब थी। उन्होंने बताया कि सबसे खराब हालत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रामनगर की पाई गई। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से आलीशान भवन बना दिया गया, परंतु मात्र 1 शिक्षक की नियुक्ति की गई। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 1 भी छात्र मौजूद नहीं थे। स्मार्ट क्लास में ताला लटका हुआ था, यहां तक कि विद्यालय के कार्यालय में भी ताला लटका हुआ था। उन्होंने वहां मौजूद शिक्षकों से विद्यालय के अभिलेखों के बारे में जानकारी ली। कोमोवेश सभी उत्क्रमित विद्यालयों की स्थिति एक जैसी होने की बात उन्होंने कही। RDD ने बताया कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाएगा तथा MDM DPO को तत्काल चावल आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया। RDD के निरीक्षण में इस्माइलपुर प्रखंड में हड़कंप मच गया था, क्योंकि यहां के अधिकांश विद्यालय खुलते देर से हैं और बंद समय से पहले होते हैं। नवगछिया वार्ड 22 से बरामद अज्ञात युवक के शव की नहीं हो सकी पहचान। नवगछिया थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज। नवगछिया SP कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर नया टोला वार्ड संख्या 22 के विनोद सिंह के बांस बिट्टे के पास खाई से बरामद अज्ञात शव की पहचान गुरुवार को भी नहीं हो पाई है। अज्ञात युवक के शव बरामदगी के मामले में चौकीदार अमित पासवान के बयान पर हत्या कर शव को गायब करने का प्रयास करने की प्राथमिकी अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज कर ली गई है। युवक की हत्या कैसे की गई पुलिस ने पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया है। पुलिस ने आशंका व्यक्त की है कि युवक की हत्या
हत्या पीट पीट कर जख्मी करने से की गई है। इधर नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में बरामद हुए अज्ञात युवक के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार शव के पूरी तरह से विभत्स हो जाने के कारण नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से शव को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। नौगछिया थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। युवक के शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव की पहचान को लेकर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि घटना के संदर्भ में पुलिस हर बिंदु पर छानबीन कर रही है। नवगछिया बाजार में भी जाम की हाहाकार स्थिति। नो एंट्री का पालन नहीं करते बड़े वाहन। नौगछिया बाजार स्टेशन रोड में गुरुवार को जाम की स्थिति हाहाकारी रही। नौगछिया स्टेशन रोड पर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक भयानक जाम लगा हुआ था। लोग 5 मिनट का रास्ता एक घंटे में तय कर रहे थे। जाम लगने का मुख्य कारण अतिक्रमण तो है ही, लेकिन गुरुवार को देखा गया कि बाजार में नो एंट्री रहने के बावजूद स्टेशन रोड में करीब 10 से अधिक पिकअप माल को लोड अनलोड कर रहे थे। इस कारण दिन भर लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। मालूम हो कि नौगछिया बाजार में दिन भर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा समेत बड़े वाहनों के प्रवेश करने में मनाही है, लेकिन इसका पालन नहीं के बराबर हो रहा है। गोपालपुर के श्री लालजी मध्य विद्यालय में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा 5 दिवसीय शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ। गोपालपुर के लालजी मध्य विद्यालय सिंधिया मकंदपुर में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का विधिवत उद्घाटन गुरुवार को केआरपी डॉक्टर मनोज कुमार बंधु, सुभाष चंद्र पासवान, खुशबू कुमारी व विनय कुमार यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर आवासीय प्रशिक्षण में 150 विद्यालय प्रमुखों व शिक्षकों को समग्र उन्नति के लिए 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांस निष्ठा के द्वारा निष्ठा के अंतर्गत दिया जा रहा है। अब तक 5 चरणों में 1500 शिक्षकों को निष्ठा के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं इस प्रशिक्षण में भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ आईसीटी के माध्यम से बच्चों की समझ को विकसित किया जाएगा। खेल खेल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा तथा बच्चों को तनावपूर्ण शिक्षा से दूर रखा जाएगा। नवगछिया गोपालपुर पैक्स चुनाव नामांकन के दूसरे दिन 5 नामांकन पत्र दाखिल। पैक्स चुनाव के दूसरे दिन गोपालपुर डिमहा पैक्स से अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों अजय चौधरी व मोहम्मद रईस तथा बड़ी मकनपुर पैक्स के सदस्य पद के लिए 3 सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उक्त जानकारी निर्वाची पदाधिकारी सह वीडियो प्रियंका ने दी। नौगछिया NH31 पर कार और अज्ञात ट्रक की टक्कर में गोपालपुर प्रखंड के लतरा निवासी 3 घायल। मायागंज रेफर। नौगछिया थाना क्षेत्र के NH31 पर गुरुवार को कार और अज्ञात ट्रक की टक्कर होने से कार सवार 3 लोग घायल हो गए। घायल हुए 3 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। घायलों में गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा निवासी मुकेश यादव की 30 वर्षीय पत्नी संगीता देवी, मुकेश यादव के पुत्र धर्मदेव यादव व पुत्री मनीषा कुमारी घायल है। वहीं डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार के लिए सबों को मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। गोपालपुर थाना के धरारा में काम कर रहे किसान को बंदर ने किया घायल। गोपालपुर थाना क्षेत्र के धरारा निवासी 25 सिंह अपने बगीचे में काम कर रहे थे। इसी दौरान बंदरों द्वारा उनके ऊपर हमला करने से वो घायल हो गए। वहीं मौके पर परिजनों द्वारा आज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा इलाज करने के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया। नौगछिया के शिशु मंदिर में वस्तावेश कार्यक्रम का आयोजन। नवगछिया के गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर नवगछिया में विद्यालय स्तरीय वस्तावेश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रंजन कुमार के द्वारा प्रतियोगिता कर मूल्यांकन कर भैया बहनों को पुरस्कृत किया गया। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH31 नवगछिया कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-0473-7368-9193-43। www.pis.education। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पढ़ाएं।
कछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचन वेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। धनतेरस गौरी शंकर फर्नीचर नवगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल 97096 11005 82 92 94 31 26। नवगछिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम वर्ल्ड जिम स्टेट बैंक के सामने एक्सिस बैंक के समीप नवगछिया। समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का एक उपक्रम पूर्णतया वातानुकूलित। महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय मोटापा, हाई लो बीपी, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी को खुद से दूर भगाएं। व्यवस्थापक अमित कुमार, सचिव अभिषेक आनंद। हमारा पता है वर्ल्ड जिम नवगछिया स्टेट बैंक के सामने एक्सिस बैंक के पास। संपर्क सूत्र 9031696929 9031 6969 29 9031 6969 29 799 224 5510। बैग चॉइस, बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नवगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586 8294855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। नवगछिया का गौरव त्रिशा खोआ मेकर। शुद्ध घी, खोआ, पनीर, मक्खन के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता भवानीपुर नया टोला नवगछिया काली स्थान के समीप। संपर्क करें कुंदन कुमार जायसवाल 9571 43094 87 79 23 1002। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437 99 34 26 14 37। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नवगछिया। मोबाइल नंबर 906।